हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर दर एक बार फिर आपके सामने रूम में जाके थोड़ा सा आराम करेंगे उसके बाद ऐसा शाम का कुछ बहुत बड़े प्लान बनाएंगे देखते रह जाएंगे और देखते रहिए अगले एपिसोड के लिए क्या आता है नेक्स्ट एपिसोड ये स्टोलर ये स्टोलर लोकेश की तरफ से लास्ट वीडियो में आपने देखा हम कैसे दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड एयरपोर्ट तक आए अभी हम यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं होटल में आ चुके हैं बुक करा सारी प्लानिंग चाबी हमारे हाथ में और सबसे पहले हम करने वाले हैं आराम क्योंकि भाई हो रहा है बहुत कैमरे के आगे पलट गया और देश से मेरे ये सबसे फ्रेश बंदे यही है इसको इतनी सी थकान नहीं है तो फिलहाल अभी रूम में चल रहे हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर भारी हो रखा है तो उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद मसाज महसूस कराते हैं बाहर जाके बस शाम को एक इवेंट है वो अटेंड करेंगे फिलहाल पहले चेक इन करता हूँ रूम दिखाता हूँ कैसा रूम होटल बड़ा प्यारा प्रॉपर्टी है मैं होटल देखो यार थोड़ा सा आराम करके आराम के देखो सोने का सीन बना नहीं बट अभी फिलहाल हमने प्लान करा कि एक मसाज वसाज लेते हैं बाहर थोड़ी उससे बॉडी रिलैक्स होगी हेड मसाज लूँगा बहुत जोर से दर्द है जो कि ठीक हो जाएगा हालांकि मेडिसिन ले लिए बट फिर भी ना एक प्लान है कि इल्यूजन वाला कुछ वो है म्यूजियम हो जाने का बट हम वहाँ नहीं जा रहे हमने स्किप कर दिया ना हाँ बिल्कुल हम सिर्फ मसाज करके आराम करेंगे सोएंगे नींद पूरी करेंगे मसाज करके नहीं मसाज करवा के हम मसाज करा के आराम करेंगे सोएंगे कुछ एक आध घंटा अगर हो पाया तो और उसके बाद देखेंगे शाम का जो प्लान है आरएनआर लोकेशन कुछ अरेंजमेंट किए हुए हैं बहुत बड़ी पार्टी की हुई है वो अटेंड करेंगे शाम को अभी फिलहाल निकलते हैं बाहर आलू टिक्की तो होगा नहीं हमारे लिए यहाँ पर वेज भी देख लेके आ रहे हैं बीच व्यू पे आगे ना यहाँ पे एक मैगडी हम हमेशा नॉर्मली खाने का सीन में आते रहते हैं तो उसी मैगडी पे आ गए अभी ऐसा तो लाइट फूड लेंगे कुछ बर्गर शर्गर या कुछ मिलता था 3 बजे की फ्लाइट उसमें भी खाना सर्व हो गया उसे पहले भी खाया घर से निकल के भी खाया सब ना टाइम से सब चीज़ें डिसबैलेंस हो गई तो अब मुझे नहीं पता हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लंच कर रहे हैं बट हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो वो खा रहे हैं बढ़िया होगा है ना चिकन मस्त हो गया मैं तो खाता मैगडी में खाना तो खाता ही नहीं अगर तू खाता तो आज ये बहुत आज तक का बेस्ट मैगडी की मील होती है प्लीज़ यार मुझे ऐसी जगह मत ला करो जहाँ पे अनियन हो गार्लिक हो और तुम चिकन वाली जगह लिया दिस इज नॉट डन समझ रहे ना समझ रहे ना तुम समझ रहे ना मस्त व्यू हो रहा है इस टाइम बीच पे ना दिन में और देखो दिन की लाइट में दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर दिखा पाया था लॉगी शाही सवारी है नॉर्मली तुम बैठ के आते हो मैं खड़े होकर जाता हूँ आवाज़ लगानी क्या दस बैठ दस बैठ दस बैठ दस बैठ ये मेरी फेवरेट आइस कॉफी
स्ट्रॉन्ग होती है, मजा आएगा इतनी चिड़ी। ये जो आइस कॉफ़ी है ना, बड़े अच्छे से बनाते हैं, बिल्कुल एकदम से फुल ऑन इतना बड़ा ग्लास आइस से भर के और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी शॉट्स डाल के उसमें, मस्त एकदम, मेरी फेवरेट है। कितनी गर्मी हो, कितना ह्यूमिड हो, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है भाई साहब। अच्छी सी पैकिंग है, अच्छे से देते हैं ऐसे बना के, लवली यार। हालांकि अभी दोपहर का टाइम है, थोड़ी रौनक कम है, जितने भी बाहर है ना अभी रेडी हो रहे हैं, शाम होती है मस्त होने वाला है। कहाँ गए सब, मैं आगे पीछे हो गया फोन, अरे बोरे मिल गए, मैंने कॉफ़ी बनाई ना, आगे नहीं कर गया तो मैं। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, गुड, एंड यू? आई एम फाइन, आई एम एंजॉयिंग। We want foot massage. Okay. We are so tired. Yeah. Okay. एक घंटे की मसाज, बट रिलैक्स हो गए, पैर ऐसे हो गए ना बिल्कुल, कुछ इन्होंने बम जैसे लगाया था ना, झंडू बम टाइप, मतलब कोई था वो झंडू बम टाइप, लेकिन पैर ऐसे हो गए एकदम बिल्कुल हवा में, इस टाइम मजा आ गया। चलो अभी फिर अभी वो खड़े होते हैं, पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या करना देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा मुझे लगा मसाज खत्म हो गई, फुट मसाज खत्म हो गई, फिर अभी हाथ दबाए जा रहे हैं, आई थिंक थोड़ा शोल्डर भी दबाए जाएंगे, हेड मसाज भी हो गया कुछ। अरे शोल्डर मसाज भी थी। ओके थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, वेलकम टुमारो। ओके सो फाइनली रूम में आ गया और हमारे पास करीबन कितने टाइम है, हमारे पास डेढ़ घंटा दो घंटा हमारे पास है आराम से, उसमें रेडी भी होना, नहा के धो के रेडी होके जाएंगे इवेंट में, और इवेंट फिर स्टार्ट होगा, तब तक आराम करते। रेडी करण, रेडी तरुण, रेडी रेडी, सारे वाइट वाइट हो रहे हैं, ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है हमारा, अभी जा रहे हैं नीचे इवेंट में, गाला नाइट में, ब्लू और वाइट ड्रेस कोड है, आग लगाने। मेरी भाई शो फैंस, यहाँ से थाईलैंड कितने लोग पहली बार आए हैं? ओ वाओ, एंड कीप योर हैंड्स अप, और यहाँ में से हम ही भी मतलब ट्रैवल इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। मैं उनको तो ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मेहनत नहीं करोगे, आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूंगा, जो लोग आपको यहाँ पे प्लेज वाला बैंड बना रहे थे वो भी मेहनत करेंगे आपको वो स्लैब अचीव करवाने के लिए।
ये नहीं है कि खाली आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप मेरे कंधे में भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आप सबको, क्योंकि जितने भी ये लोग यहाँ बैठे हैं हम सब अचीवर्स हैं, कुछ ना कुछ अचीव करके हम यहाँ आए हैं तभी बैठे हैं। और अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत सारे लोग वो हैं जिनका पहली बार फॉरेन ट्रिप है, तो ये तो स्टार्टिंग है थाईलैंड से, पूरा वर्ल्ड घूमना है, आप देख ही रहो, US जाना है, यूरोप जाना है, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, ऐसे अब स्टार्ट हुआ है आपका ट्रैवल यहाँ से और आगे बढ़ता जाए। तो एक ये प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा मुझे जो लगा, पटाया तो चलो हम सब ने घूमना ही है, बट अच्छी बात यहाँ पे मुझे जो लगी कि हम सब मिलके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को अपने आइडियाज देंगे, कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आपसे हम सीखेंगे। तो बस वहीं से स्टार्ट करते हैं, राहुल कुछ बताने वाला है हमारे बारे में, फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे, आप ही मत बैठेंगे। लास्ट ईयर हमने जो HDFC के साथ नंबर किए वो करीब 1.5 करोड़ फ्रेश न्यू पॉलिसी, 750 रिटेल क्लाइंट, मैंने कोई ग्रुप इंश्योरेंस नहीं बेचा, मैंने कोई SME नहीं बेचा, सिर्फ रिटेल क्लाइंट, ओवरऑल मैंने करीब 2 करोड़ का बिजनेस किया और पिछले 10 साल में 10 करोड़ प्लस बिजनेस HDFC के साथ हो चुका है मेरा और सारा रिटेल है। मैंने ना सिर्फ एक एप्लीकेशन का टारगेट सेट किया अपने लिए, बट मुझे वो एप्लीकेशन हर रोज चाहिए थी, जीरो से बार एक और एक एप्लीकेशन भेजनी है मुझे, मुझे ज्यादा नहीं भेजना, मैं तो एक रोज भेजूंगा, कल दो आएंगे आज भी एक भेजूंगा, मैं वो सेल्समैन हूं जिसको जीरो पसंद नहीं है, आई ऑलवेज रिमूव जीरो स्टॉक ऑनलाइन। सर ने जो भी बताया ना कि 10 साल में 10 करोड़ का बेस इन्होंने किया है कंपनी के साथ, वो 10 करोड़ का बेस सर हर साल मतलब रिटेन भी करते हैं, सर का रिटेंशन रेशो इतना हाई है कि इतने बड़े बेस के साथ बिलीव नहीं होता था कि सर कैसे करते हैं। और ये जो वन पॉलिसी वन डे का जो सर नारा दे रहे, सर ने अपनी ऑफिस की ना दीवारों पर लिखवाया हुआ है। रवि विश्वनाथ सर, हितेश बिरानी सर एंड विक्रम जैन सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो अभी हमारी अच्छी खासी स्पीच हो गई है, बढ़िया प्रोग्राम हो गया, मजे भी आ गए, आई होप सब अच्छा रहा, सब एब्सोल्युटली फाइनल, यू गाइस वर रॉकिंग यार, स्टेज फाड़ दी और पता नहीं क्या-क्या फाड़ दिया, बाकी तो कल पेपर में आई, ज्यादा होगा तो पेड़ लगेगा बस। बट अच्छा रहा, थोड़ा इवेंट अभी भी चल रहा, बट टाइम को देखते हुए हमें पटाया भी तो एक्सप्लोर करना देखते हुए, लोकेश पहली बार पटाया, इसे पटाया भी तो दिखाना है ना। तो अभी हम निकल रहे हैं से बाहर, अब क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत बेस्ट है, बहुत मजेदार है, तो क्लब चलते हैं कि बहुत अच्छे क्लब चलते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, तूफानी करते हैं, तूफानी करते हैं, सिर्फ तूफानी करते हैं, राइट, बिकॉज़ ऑफ लोकेश यार, पहली बार है, देखो पहली बार आया, पता नहीं यार मेरठ के बाद पहली बार बाहर कहीं आया तो यहाँ है, और इसे हम कहते हैं टुक टुक। टुक टुक की सवारी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है ना, बहुत कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर।
तेरा साथ ना छोड़ेंगे। गॉड सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं थाईलैंड कम से कम 10 बार आ चुका हूँ पहले, और अभी जो मजा आया ना मुझे, इस बार छोटा सा चेंज है, हम वॉकिंग स्ट्रीट पे गए ही नहीं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ जो बीच में शैक्स बने हुए उसमें गए, पार्टी करी, खूब इंजॉय करा, मजा आ गया। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नई मस्ती और नई एनर्जी के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू।